हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ डबल शेड में मैंगो आइसक्रीम बनाने की रेसिपी, वो भी बिना क्रीम के और बिना कंडेंस मिल्क के। तो चलिए फ्रेंड्स, इसे बनाने स्टार्ट करते हैं और इसका इंग्रेडिएंट देख लेते हैं हमें क्या क्या चाहिए। तो इसके लिए मैंने यहाँ पर आधा लीटर दूध लिया है और एक बड़े साइज़ का आम लिया है, चीनी ली है और थोड़ा सा दूध हमने अलग से लिया है जिसमें हम कॉर्नफ्लोर मिक्स करेंगे, और ये 2 स्पून हमने कॉर्नफ्लोर लिया है। तो अभी हम सबसे पहले आम को छोटे छोटे स्लाइसेस में कट कर लेंगे। तो ये मैंने यहाँ पे छोटे छोटे स्लाइसेस में आम को कट कर लिया है, और जो अलग से हमने थोड़ा सा दूध लिया था उसमें हम ये 2 चम्मच कॉर्नफ्लोर मिला देंगे। तो कॉर्नफ्लोर मिलाने के बाद अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इससे क्या होगा कि जब हम जो हमने आधा लीटर दूध लिया था उसमें जब कॉर्नफ्लोर को डालते हैं तो लम्स नहीं पड़ेंगे। तो ये तो हमारा तैयार है। अब हम आधा लीटर जो दूध लिया था उसे बॉईल कर लेते हैं। तभी हम दूध में उबाल आने देते हैं। तो ये देखिए फ्रेंड्स, दूध जो है हमारा बॉईल हो चुका है। अब हम इसमें डालेंगे चीनी। तो ये हमने यहाँ पे 1/3 कप चीनी ली है, वो इसमें डाल दी है। चीनी भी हमारी अच्छे से घुल गई है। अब हम इसमें डालेंगे जो हमने कॉर्नफ्लोर वाला दूध तैयार किया था वो, और इसे डालते वक्त हमें लगातार दूध को चलाना है, और इसी तरीके से चला हमें जब तक चलाते हुए पकाना है जब तक दूध गाढ़ा ना हो जाए। तो ये देखिए, अभी आप देख सकते हैं कि जो दूध है वो काफ़ी गाढ़ा हो चुका है, ये देखिए। तो अभी हमें इसको इतना ही गाढ़ा करना है, क्योंकि ठंडा होने के बाद और भी ज़्यादा गाढ़ा हो जाएगा। तो इसलिए अभी हम गैस की फ्लेम को ऑफ कर देंगे और इसे ठंडा होने देंगे, उसके बाद हम इससे आइसक्रीम बनाएंगे। तो जो कॉर्नफ्लोर वाला दूध था वो काफ़ी गाढ़ा हो चुका है ठंडा होने के बाद, ये देखिए। अभी हम इसको एक मिक्सी के जार में डाल करके इसकी आइसक्रीम बनाएंगे। तो ये मैंने यहाँ पर जार लिया है और इसमें हम ये आधा ही डालेंगे। आधा क्योंकि हम इसलिए बचा रहे हैं क्योंकि हम डबल शेड वाली आइसक्रीम बनाएंगे। तो आधा इसमें डालने के बाद इसमें हमने जो छोटे छोटे मैंगो के स्लाइसेस कट किए थे वो भी डाल देते हैं, और मैं इसमें थोड़ी सी मलाई डाल रही हूँ। ये ऑप्शनल है, आप चाहें तो डालें वरना ना डालें। तो ये मैंने यहाँ पर 2 चम्मच इसमें मलाई डाल दी है। अभी हम इसको अच्छे से ब्लेंड कर लेंगे। तो ये हमने यहाँ पर इसे अच्छे से ब्लेंड कर लिया है, और अभी हम इसे निकाल लेंगे एक बाउल में, क्योंकि हमने जो सिंपल वाला दूध बचा कर रखा था उसे भी इसी में हमें डाल करके ब्लेंड कर लेना है। तो ये भी हम इसमें डाल देते हैं। तो ये भी हमने यहाँ पर ब्लेंड कर लिया है। अब हम क्या करेंगे कि एक एयर टाइट कंटेनर लेंगे और इसमें हम दोनों मैंगो फ्लेवर और जो सिंपल वाला फ्लेवर हमने लिया है दोनों को एक साथ डालेंगे। तो इस तरीके से हमें एक साथ डालना है इसे। ऐसा करने से क्या होगा कि दोनों जो हमारे शेड हैं वो अलग अलग आएंगे। तो ये देखो, मैंगो वाला फ्लेवर अलग है और ये सिंपल वाला अलग है। अब हम क्या करेंगे कि इसका कैप लगा करके इसे 7 से 8 घंटे के लिए फ्रीज होने के लिए रख देंगे। तो 8 घंटे बाद मैंने इसे बाहर निकाल लिया है और हमारी जो आइसक्रीम है वो भी एकदम अच्छे से तैयार है जम करके। अब हम इसे बाहर एक बाउल में निकालेंगे। तो इस तरीके से मैं इसे बाहर निकाल लेती हूँ। तो बस अब हम इसे एक बाउल में सर्व कर लेंगे। तो
ये देखिए फ्रेंड्स, लग रही है ना एकदम मार्केट वाली, जैसे क्रीम वाली हम आइसक्रीम बनाकर तैयार करते हैं वैसी ही लग रही है। और इसका टेस्ट भी बिल्कुल क्रीमी वाला आएगा, बिल्कुल आप पहचान नहीं पाएंगे कि इसमें क्रीम नहीं डली है। तो बस आप भी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कर देखिएगा, और इसमें डबल शेड भी कितना अच्छा आया है। तो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, और कमेंट कर मुझे ज़रूर बताएगा कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी। तो तब तक के लिए थैंक यू फ्रेंड्स, बाय बाय, अब हम मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी के साथ।